मुझे विश्वास है कभी ना कभी आपने मार्शल आर्ट का नाम जरूर सुना होगा और शायद इसीलिए इस वीडियो को आप देख भी रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि मार्शल आर्ट होता क्या है? अगर आप नहीं जानते हो तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों, क्योंकि यहाँ इस वीडियो के माध्यम से बताया गया कि मार्शल आर्ट है क्या, मार्शल आर्ट कैसे सीखी जाती है। इसलिए अगर आप मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और कितना इसमें खर्च आता है वो भी पूरी वीडियो इस जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो अभी तक चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। दोस्तों मार्शल आर्ट युद्ध कला एक युद्ध अभ्यास की प्रणाली है मानी जाती है। ये बचाव के लिए ट्रेनिंग की ट्रेडिशन है, एक प्रकार की आर्ट है, एक कला है अपने आत्मरक्षा के लिए दोस्तों। लेकिन इसे विज्ञान ने भी माना है कि मार्शल आर्ट के कई कलाओं का अभ्यास एक पूर्ण रूप से किया जाता है, किंतु इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि खुद की या फिर दूसरों की शारीरिक खतरे को रक्षा करना होता है दोस्तों। अब आइए जानते हैं मार्शल आर्ट का मतलब युद्ध की कला से ही क्यों है। दोस्तों ज़्यादातर इस्तेमाल आत्मरक्षा, लड़ाई या तो लड़ाई खेल, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक और आध्यात्मिक विकास इत्यादि में होता है। इसके साथ वह नृत्य का भी रूप ले लेती है दोस्तों। कहने का मतलब इस लड़ाई में या युद्ध कला सीखने में आप नृत्य भी कर सकते हैं दोस्तों, सीख सकते हैं। दुनिया भर में बहुत प्रकार के मार्शल आर्ट होते हैं दोस्तों। जैसे भारत में मार्शल आर्ट के युद्ध को कला, वहीं चीन में कुंग फू, जापान में कराते हैं दोस्तों। पौराणिक कथाओं के अनुसार मार्शल आर्ट के जनक भगवान परशुराम को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मार्शल आर्ट के कलाकार को मार्शल आर्टिस्ट कहा जाता है दोस्तों। अब आइए जानते हैं मार्शल आर्ट के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। मार्शल आर्ट के बहुत से प्रकार हैं। दुनिया भर में मार्शल आर्ट के अलग अलग प्रकार सिखाया जाता है, जिसमें से कुछ को ट्रेडिशनल फॉर्म में तो कुछ को टाइप मॉडर्न फॉर्म में कहते हैं। इस तरह मार्शल आर्ट को 6 प्रकार में बांटा गया है, जिसके प्रत्येक मार्शल आर्ट को कुछ कुछ टाइप देते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं पहले वाले की, स्ट्राइकिंग और स्टैंड ऑफ मटेरियल आर्ट स्टाइल। दोस्तों ऐसा बात करते हैं स्ट्राइकिंग और स्टैंड, ये सिखाती है कि ब्लॉक की घूंसे या कोहनी और घुटने इत्यादि का उपयोग करके खुद का बचाव कैसे करें दोस्तों। इनमें पहले पहलू को सिखाने की कला डिग्री, शैली या परीक्षक पर निर्भर करती है दोस्तों। इसके अलावा इन स्ट्राइकिंग और स्टैंड अप मटेरियल मार्शल आर्ट स्टाइल में कई शैलियों की लड़ाई को घटकों को सिखाती है दोस्तों। इस टाइप में आने वाले मार्शल आर्ट के निम्नलिखित फॉर्म आते हैं दोस्तों, जैसे कि बॉक्सिंग, कराटे, किंग बॉक्सिंग, कर्म मेगा, कुंग फू आदि। ऐसे कई तरह के नाम आते हैं जो पूरी तरह से कुंग फू को पूरी तरह से बेनिफिट देते हैं दोस्तों। अब आइए जानते हैं दूसरा वाला कौन सा है, ग्रैपलिंग और ग्राउंड फाइटिंग। दोस्तों आपने देखा होगा शिक्षक या परीक्षक जमीन पर कैसे ले जाएं, इसमें यही सिखाया जाता है कि इसमें एक प्रमुख स्थान हासिल करना होता है या फिर लड़ाई को समाप्त करने के लिए एक सबमिशन होल्ड का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और इसमें ग्राउंड फाइटिंग स्टाइल में इस टाइप की मार्शल आर्ट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। मार्शल आर्ट सीखने के फायदे सिर्फ फायदे हैं। भारत को मार्शल आर्ट का जन्मदाता माना जाता है, लेकिन आज फिर दूसरे देशों की अपेक्षा में भारत मार्शल आर्ट में बहुत कम देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण इसमें रुचि नहीं होना है, लोगों को इसमें कम रुचि है, इस वजह से इसका कारण भारत को भुगतना पड़ रहा है दोस्तों। मार्शल आर्ट सीखने के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक अंदर आ ही जाता है। मार्शल आर्ट से आत्मरक्षा के साथ मानसिक विकास भी होता है दोस्तों। मार्शल आर्ट सीखने से शरीर की ग्रोथ भी तेजी से होता है और मार्शल आर्ट से शरीर की चर्बी जो घटती रहती है दोस्तों, वजन कम भी किया जा सकता है। मार्शल आर्ट खाने को, डाइजेशन को संतुलित करता है दोस्तों, और तरह तरह की और भी इसमें स्ट्रेटजी बढ़ती रहती है दोस्तों। अब बात करते हैं कैसे सीखें। भारत के युवाओं को मार्शल आर्ट के प्रति कम रुचि हो सकती है, इसका कारण युवाओं में करियर के प्रति भागदौड़ में व्यस्त हो सकता है। लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो मार्शल आर्ट को बहुत दिल से सीखना चाहते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि मार्शल आर्ट कहाँ सिखाया जाता है, भारत में मार्शल आर्ट कहाँ सिखाया जाता है। तो इसका जवाब यह है कि मार्शल आर्ट सेंटर जहाँ मार्शल आर्ट सिखाया जाता है ढूंढने के लिए आप गूगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए गूगल पर मार्शल आर्ट क्लास नियर मी सर्च कर सकते हैं आप, या सर्च करने के बाद गूगल आपके अगल बगल जितने भी मार्शल आर्ट के सेंटर है वो आपको ढूंढ कर दिखा देगा दोस्तों। इसके अलावा आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल जो पूरी तरह से मार्शल आर्ट सिखाते हैं, वहाँ से आप आसानी से सीख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि मार्शल आर्ट की सीखने के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ सकता है दोस्तों। अगर हम मंथली बात करें तो मंथली में आपको 1200 से 1500 तक आपको खर्चा करना पड़ सकता है, इसकी फीस हो सकती है दोस्तों। यहाँ तक इसके रजिस्ट्रेशन फीस 1000 होते हैं दोस्तों, और कई तरह के अलग अलग अपने अपने फीस हैं दोस्तों। लेकिन आज का हमारा वीडियो कैसा लगा इस मार्शल आर्ट के ऊपर, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। ऐसे लगातार